टू बबीना यूट्यूबर। तो देखो आज सुबह सुबह हमारे घर में क्या नाश्ता बन रहा है। देखिए आज हमारे घर में क्या बन रहा है मम्मी, इडली और चटनी। और मैं मेरे ट्यूशन का होमवर्क कल नहीं की थी इसलिए मैं अभी तक ट्यूशन गई नहीं हूँ। मेरे को आया नहीं तो मैं इडली खा के जल्दी से ट्यूशन जाऊंगी, नहीं तो ऑलरेडी लेट हो चुका है थोड़ा। ये खुल नहीं रहा बेटा, इसको खोलोगे कैसे, तोड़ के? ठीक है, ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट यम्मी यम्मी इडली। और यहाँ आज हमारे पास यहाँ मुनगा बन रहा है, मुनगा मेरा फेवरेट है यहाँ। तो ये मैं चटनी बना रही थी और चने का दाल और लहसुन और सूखे मिर्च सब फ्राई करके हम ग्राइंडिंग करते हैं चटनी बनाने में। और तब उधर चावल बन चुका था और दाल भी बन चुका था, आज बहुत जल्दी बना था, 7 भी नहीं बजा था शायद तभी। एंड ये बैगन और क्या है कि ड्रम स्टिक, मुनगा बोलते हैं साजन की पली, वो हल्दी और नमक दे के उबला दे रही थी। और ये मेरा जो ग्राइंड करके रात को रखी थी जो बैटर, उसको मैं अच्छे से मतलब खाने वाला सोडा एंड नमक दे के मिक्स कर रही थी, नहीं तो इडली फूलता नहीं है इसीलिए। एंड प्रियांशी को बहुत बार उठा रही थी, वो उठ के आ गई, तब 6:30 हुआ था, 6:30-6:35 ऐसा कुछ हुआ था टाइम, मैंने देखा नहीं था। और वो आके ब्रश करने लगी फिर। और ब्रश करने के बाद फिर वो नाश्ता करके ट्यूशन चली गई। अभी ट्यूशन से आके वो नहा ली, नहा के अभी उसका क्लास स्टार्ट हो गया 11 बजे से, तो अपना बुक्स कॉपीज रह के रेडी थी वो क्लास करने के लिए, ऑनलाइन क्लास करने के लिए। और मैथ का कुछ कुछ जो दिए थे नहीं लिखी थी, वो ट्यूशन से आने के बाद वो लिख ली घर में, लिखने के बाद वो रेडी होके रह गई। और प्रियांशी को ना आज बहुत सारा पेंडिंग वर्क करना है, जैसे कि कल किया थी वैसे ही आज प्रोजेक्ट सबमिट करना है उसको, एंड प्रोजेक्ट की नहीं। और वो आज बोल रही थी मुझे कि दोपहर को सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगी, लेकिन दोपहर को नहीं कर पाई, फिर रात को वो उसको करना पड़ेगा। और अभी क्लास के लिए वो ज्वाइन कर रही थी, ज्वाइन नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स अभी बज चुका है 12 मतलब 12:35 एंड प्रियांशी का 12:30 में क्लास था, तो मैंने उसको नहाने के लिए बोल दिया, जो एक दो क्लास कंप्लीट कर दी उसने। और अभी उसको मैंने चावल दाल एंड जो बनाई थी पम्पकिन की सब पम्पकिन बोल रही हूँ सॉरी ड्रम स्टिक जो मुनगा बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, उसकी सब्ज़ी बनाई थी। एंड कल का परवल आलू का थोड़ा बचा था वो, एंड नींबू ऐसे करके उसको मैंने खिला दिया। और अभी वो क्लास कर रही है। एंड सासू माँ तो बहुत जल्दी खाना खाते हैं, गांव में वो जल्दी खाते थे, तो उनको मैं 11 बजे से खाना दे दी। एंड सुबह तो आज इतना बिजी शेड्यूल था मेरा, पूछिए मत, मैं वेलकम भी नहीं कर पाई, तो प्रियांशी को बोली कि थोड़ा वेलकम कर दो, क्योंकि आज सुबह सुबह मुझे 5:30 बजे से उठना पड़ा, क्योंकि उनका ऑफिस आज 8 बजे से जाना था। तो मैं 5:30 बजे उठी एंड प्रियांशी को उठाई 6 बजे, तो वो उठ नहीं रही थी 6:30 बजे तक, वो मतलब आलसी हो रही थी, इधर से उधर उधर से इधर गड़गड़ रही थी, मतलब बेड के उस तरफ मछली जैसे सो रही थी इधर से उधर। एंड मैं जैसे उठी कि झाड़ू फाड़ू करके नहाने चली गई, नहा के आने के बाद इडली एंड चटनी बनाई थी जो कि प्रियांशी का मेरा फेवरेट है, एंड मेरी सासू माँ को भी बहुत अच्छा लगता है इडली चटनी। तो कल उनका फास्टिंग था, एकादशी था, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो कल इडली बना लेंगे, तो चावल भिगो के एंड ग्राइंडिंग करके रखी थी, तो इडली चटनी बनाई। उसके बाद चावल दाल एंड बस वो जो ड्रम स्टिक की सब्ज़ी वही ही बना पाई, क्योंकि 8 तो ऐसे ही बज जाता है, 6 बजे उठो तो 8 फटाफट से बज गया, और ये 8 बजे ऑफिस चले गए, ये चले जाने के बाद और खाना बनाने को मन नहीं लगता, जो भी सुबह बन जाता है उतना ही होता है, फिर हम उसको गर्म करके खा लेते हैं। एंड दोपहर सारा कपड़ा धोना सुखाना, जो गए थे गाँव जितना बैग लाए हैं लगेज उतना सारा, मतलब एक एक करके कर रही हूँ, एक बैग करके एक बैग, एंड बाकी मेरा एक बैग है लगेज बैग जो कि मैं गांव में धोया हुआ था, लेकिन उसमें स्मेल आ रहा है,
क्योंकि धूप अच्छे से नहीं आ रहा था एंड वो धोबी को दिए थे धोने के लिए, वो कैसे कैसे धोया है पता नहीं, तो मुझे वो सारा धोना है। एंड प्रियांशी का बैग भी अनपैक नहीं की हूँ क्योंकि उसमें भी बहुत सारे कपड़े हैं जो कि धोया है लेकिन स्मेल स्मेल आ रहा है, तो सारा धोएंगे। और एक दुख की बात है, फिर से वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, और इस बार ना वॉशिंग मशीन का ड्रम ही टूट गया है। कल आए थे वो जो अर्बन कंपनी से मैंने बुलाया था, तो उन्होंने बोला कि न्यू ड्रम लगेगा, तो अभी मैं न्यू ड्रम के लिए मतलब बहुत सारा ज़्यादा पैसा लगेगा, 6-7 हज़ार बोल रहे हैं वो लोग, पता नहीं कितना लगेगा। तो कंप्लेन हम दे दिए हैं, कल परसों आके ठीक करेंगे। ऐसा हो जाता है कि वॉशिंग मशीन में धोना हो जाता है कपड़ा ना, तो एक आदत सी बन जाती है, फिर हाथ में धोने के लिए बहुत ही टाइम लगता है, टाइम टेकिंग लगता है, तो इसीलिए मैं सारा बैग को रख दी हूँ एंड छोटा मोटा जो कपड़ा है एंड बैग है ये सब धो रही हूँ। एंड कल रात को मैं मेरा मतलब कल दोपहर सारा मेरा ड्रेस, सारा जो संबलपुरी कुर्ती ड्रेस है वो सब धोई, उसमें रिवाइव दी, फिर उसको सुखाई एंड रात तक आयरन भी करके रख दी। और इनका कपड़ा दिखाती हूँ क्या है, हालना मैं ऐसे करके डाल दी हूँ, शायद 4-5 पैंट है एंड शर्ट है। ये वॉशिंग मशीन में धुल गया था, धूल तो गया लेकिन वॉशिंग मशीन से बहुत ज़्यादा साउंड आया ढक 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 करने के बाद, और ये धुलने के बाद ही वॉशिंग मशीन और ख़राब हो गया। मुझे बहुत दुख लग रहा है क्योंकि नुकसान का चीज़ आता रहता है, मतलब नुकसान होता रहता है ना, एक टाइम होता है कि ख़राब टाइम चल जाता है तो ऐसे आता ही जाता है। अभी बेफालतू का देखिए इसमें भी खर्चा लगेगा एंड अभी बिना वॉशिंग मशीन का भी कपड़ा कैसे कितना दिन तक रखेंगे, तो उसको ठीक कराना पड़ेगा। प्रियांशी अभी क्लास कर रही है और गांव की मतलब मम्मी आए हैं ना, वो जल्दी खाना खा दे रहे हैं, रात को भी हम लोग उनके साथ खा रहे हैं तो हम भी जल्दी उनके लिए खा रहे हैं। 8:30-9 बजे से मतलब 9 बजे के अंदर हमारा डिनर कंप्लीट हो जा रहा है एंड दोपहर को भी 12:30 बजे तक मतलब लंच ख़त्म हो जा रहा है। पहले ऐसा होता था कि प्रियांशी का सारा क्लास ख़त्म हो एंड ये उसके बाद हम माँ बेटी खाते थे, लेकिन आजकल जल्दी खाना बना दे रही हूँ तो इसीलिए। एंड बाल देखिए कितना ज़्यादा झड़ रहा है, जब मैं गांव गई थी बलंगीर का पानी से धोई ना और ही ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा ज़्यादा बाल टूटा, मुझे बहुत ही दुख लगा। एंड मैं मतलब इतना बिजी थी कि अपना भी केयर नहीं कर पा रही थी, तब मतलब बाल का केयर क्या करेंगे, खुद का तो केयर करना मुश्किल था, इतना भीड़ भड़ाका था। मतलब ससुर जी का जो देहांत हो गया, बहुत सारे लोग आते हैं, भूजी, बहुत सारे मतलब रस्म रिवाज होता है जिसमें बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, टाइम बहुत ही लगता है। एंड आज ही फाइनली मतलब आज मैं 2 बार नहाई हूँ, सुबह एक बार उठ के नहाई, पूजा की, सैटरडे था, उसके बाद मतलब मेहंदी भिगो के रखी थी, मेरा बाल थोड़ा थोड़ा मतलब ये जगह पे ग्रे हो रहा है तो इसीलिए मैं मेहंदी लगाती हूँ, मतलब नूपुर का हो या VLCC का जो भी हो मेहंदी ही लगा लेती हूँ। तो उसको चाय पत्ती में भिगो के मतलब रखी थी, तो फिर ये ऑफिस जाने के बाद 9 बजे मैं बाल में लगाई थी, तो अभी फिर 12 बजे नहाने चली गई, नहा के आने के बाद मैं खाना खाई, मतलब आज 2 टाइम्स नहाई हूँ। सॉरी बोल दो श्रियांश, खोलो खोलो तार हाथ दे दे बाबू चूठ। बारिश बारिश देखो बारिश, बाबू के दे, बाबू रेड रेड मैचिंग किया है तुम्हारे साथ। हे प्रियांशी, बाबू बाबू गुड इवनिंग बोलो फ्रेंड्स लोगों को, आओ गुड इवनिंग बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, गुड इवनिंग बोलो, गुड इवनिंग बारी। बाहर मत जाओ दीदी, इधर खेलो। नहीं नहीं, हम तो जल्दी आज लॉन्च कर लिए, लंच करके मैं सो गई। एंड प्रियांशी एज यूजुअल दोपहर को सोती नहीं है,
वो बस बैठ के टीवी देखती है, नहीं तो कुछ वीडियो देखती है, तो वो देख रही थी। एंड उसकी दादी और मैं सो गए थे। उठ के मैं देखे तो मुझे बारिश होने लगा था, तो मैं बारिश से कपड़ा सारा ले आई। एंड ये जो स्वीटकॉर्न मैंने उसको जला के खा रही थी, तो प्रियांशी को ये पसंद नहीं है और वो वीडियो बना रही थी और मुझे बोल रही थी चूहिया जैसी खा रही हो। उसको बस वो अमेरिकन कॉर्न जो स्वीट वाला है वो पसंद है। एंड इतना सारा बर्तन पड़ा था वो शाम को साफ कर दिए। एंड आज छोले बनाए थे, छोले की सब्ज़ी। एंड सुबह जो इडली बनाई थी, इडली भी बचा था तो इवनिंग को प्रियांशी को मैं दे दी। एंड छोले की सब्ज़ी एंड पराठा बनाई रात को। रात को मतलब आजकल जल्दी खाना बना दे रही हूँ, 7:30 बजे मेरा मतलब सब्ज़ी बन जा रहा है। एंड 8:30 बजे मैं रोटी बना दे रही हूँ क्योंकि उसकी दादी जल्दी खाते हैं। एंड ये प्रियांशी के पापा जब आ गए उसके लिए आइसक्रीम लाए थे एंड पेटीज भी लाए थे। पेटीज वो खा ली, पनीर पेटीज, और तब मैंने वीडियो नहीं बना पाई और खाने के बाद आइसक्रीम खाई और वो रात को और पराठा नहीं खाई। और बैठ के अभी वो प्रोजेक्ट कर रही है, सोनाक्षी से बात करते करते वो कर रही है। मतलब अभी टाइम हो गया था, 8:30 बज चुका था। जब प्रियांशी गांव चली गई थी तो उसको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिला था, तो वो कंप्यूटर में नहीं कर रही थी तब, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था। तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड सोनाक्षी से ये बात करते हुए, वो दोनों डिस्कस करते हुए कर रहे हैं। एंड क्या होता है कि क्लास के फ्रेंड्स वो हमेशा क्लास अटेंड की है, इस बार प्रियांशी का 2-3 क्लास मिस भी हुआ है, 2-3 दिन जिस दिन मतलब जर्नी की है वो उस दिन भी क्लास मिस हुआ है। एंड परी के साथ वीडियो बनाने में भी बिजी थी, तो मतलब प्रोजेक्ट और जो भी पेंडिंग वर्क है वो अच्छी तरह से नहीं कर रही थी, बस रॉ कॉपी में ही कर दी थी क्योंकि सारा कॉपीज बुक्स वो लेके नहीं गई थी बलांगीर, तो इसीलिए अभी उसको सारा काम करना पड़ेगा। आफ्टर दैट फिर 6 तारीख को मतलब 6 सितंबर से उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है कंप्यूटर का, तो इसीलिए वो कंप्यूटर प्रोजेक्ट सबमिट करना है, मैम को देना है। एंड ये मैं सब्ज़ी बना दी थी एंड अभी पराठा भी बना के रख दी हूँ ताकि हम खाएंगे रात को। एंड जो इडली बचा था, इडली इसकी दादी और मैं खा लेंगे। प्रियांशी को तो आज और रात को डिनर नहीं करना है, वो 8:30 बजा था तब पेटीज खा ली थी। एंड इडली बचा था तो उसको ऐसे हीट करने से वो फिर गर्म हो जाता है, तो बनाना जैसा हो जाता है सुबह का हो, तो इसीलिए मैं उसमें पानी देके ऐसे उबाल देती हूँ तो फिर नेम जैसा लग जाता है। एंड वो हम चटनी भी था तो फ्रिज में रख दिए थे, उसको भी मैं थोड़ा गर्म करके हम खा लेंगे। सो फ्रेंड्स, डिनर कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का, पर फिर भी मेरा और सोनाक्षी का प्रोजेक्ट करना अभी भी चालू है। आज रात को मतलब अभी 9 बज चुका है, प्रियांशी आज 10-11 बजे तक प्रोजेक्ट करेगी ना, इसीलिए वो कंप्यूटर में बैठी है। एंड गुड नाइट फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो क्या क्या करना है मम्मी बोलो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल बटन। टेक केयर।